स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसानुल हक। आज बेटे हम 10th की मैथ का तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज हमारे पास है, रिव्यू एक्सरसाइज है 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करना है हमने। इसके जो पहले 4 पार्ट हैं असल में वो डेफिनेशन है, हमने 5 चैप्टर से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है बेटा पाई बाय 4। पाई बाय 4 को आपने, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 1 रेडियन इक्वल होता है बेटे 180 ओवर पाई के। पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, 1 रेडियन की जगह पे 180 ओवर पाई लिख दें। ये पाई इस पाई से बेटा कैंसिल हो गई। अब हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 180 बाय 4। 180 को 4 पे डिवाइड करें, 4 4 16, 2 कैरी, 4 5 20, 45 डिग्री। अब ये वैल्यू आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह इसका पार्ट 6 है बेटे, पार्ट 6 के अंदर हमारे पास अब डिग्री के अंदर वैल्यू है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 15 डिग्री, जो एक डिग्री होता है बेटे वो इक्वल होता है 180 पाई ओवर 180 के। 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। 15 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही 15 डिग्री आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180। 15 वन ज़ा 15, 3 कैरी 30, 15 टू ज़ा 30, पाई ओवर 12 रेडियन। ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 6 का। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का पार्ट 7 है बेटे। पार्ट 7 में कहता है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, यानी हमने थीटा की कीमत फाइंड आउट करनी है। ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग, यानी एल की कीमत हमारे पास है 50। उसके बाद द सर्कल एंड रेडियस आर की कीमत है 25। हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला होता है बेटे हमारे पास थीटा की वैल्यू मालूम करने का, थीटा इक्वल एल बाय आर। थीटा इक्वल एल बाय आर, एल की कीमत हमारे पास मौजूद है बच्चे 50 और आर की कीमत है बेटा 25। थीटा इक्वल 25 टू जार 50 टू, हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 8 है बेटे, फाइंड आर। हमने आर की कीमत मालूम करनी है, एल की कीमत हमारे पास 56 है और थीटा की कीमत है 45 डिग्री। पहली बात, किसी सवाल के अंदर भी अगर कोई वैल्यू डिग्री के अंदर आ रही है, पहले आपने उसको चेंज करना होगा रेडियन के अंदर। जो 1 डिग्री होता है बेटे, एक जो डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई ओवर 180 के। थीटा इक्वल 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, थीटा इक्वल 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180। थीटा इक्वल 45 मल्टीप्लाई 3.14 ओवर 180। थीटा इक्वल 45 को जब आपने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया बेटे 141.3 बाय 180। थीटा इक्वल 141.3 डिवाइड बाय 180 जब आप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है बेटे 0.785। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम करनी है आर की वैल्यू। आर इक्वल होता है आपके पास एल बाय थीटा।
आर इक्वल एल बाय थीटा, एल की कीमत है मेरे बेटे 56 और थीटा की वैल्यू 0.785, आर इक्वल इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आता है बेटे 7.133। ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बेटे इसका 9 है, इसमें हमने मालूम करना है फाइंड थीटा, फाइंड टेन थीटा हमने फाइंड आउट करना है व्हेन कॉस थीटा इक्वल है 9/41 के। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटे उसने हमें 9/41। कॉस थीटा असल में इक्वल होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम एस जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है बेटे, यानी साइन थीटा आपके पास इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हेपेटिनस के। सी से मुराद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास बी ओवर एच यानी बेस ओवर हेपेटिनस के। टी से मुराद होता है टेन थीटा, टेन थीटा आपके पास इक्वल होगा मेरे बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस के। हमारे पास अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर यानी बी ओवर एच, बी ओवर एच। ये बेटे ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर और 90 के नीचे जो साइड होती है वो होती है बेस और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हेपेटेनियस। और अब हमारे पास जो बेस की कीमत है वो है 9 और जो हेपेटेनियस की कीमत है वो है 41। ए का नाम दे दें बेटे इसको और इसको बी का नाम और इसको सी का नाम। हमने पी मालूम करना है यानी परपेंडिकुलर मालूम करना है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास ये होता है बेटे, हेपेटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हेपेटेनियस की वैल्यू हमारे पास है बेटे 41 इसका स्क्वायर, बेस की वैल्यू है 9 इसका स्क्वायर बेटे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता, इसका नाम दे देता हूँ मैं एक्स का, इसको एक्स का नाम दे दें। 41 को बेटा 41 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1681, 9 को 9 से 81 प्लस एक्स का स्क्वायर 1681 माइनस 81 इक्वल एक्स का स्क्वायर। 1681 में से 81 चला गया बेटे, बाकी आपके पास बाकी रह जाएगा 1600 इक्वल एक्स का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, 40 इक्वल एक्स। अब हमारे पास एक्स की कीमत आ गई 40। अब हमने फाइंड आउट करना है टेन थीटा, टेन थीटा मैंने आपको बताया था बेटे इक्वल होता है पी ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। पी की वैल्यू हमारे पास है 40 और बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू है 9। अब उसने हमें इसी सवाल के अंदर कहा है कि जो थीटा जो है ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये थीटा मौजूद है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो क्या होता है बेटे, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती है। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर साइन थीटा कोसिकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो चार वैल्यू हैं वो नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा कॉट थीटा बेटे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जो वैल्यू हैं वो यहाँ पे नेगेटिव होती हैं। ये हमारे पास होता है कॉस थीटा सीकेंट थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव, रिमेनिंग जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो नेगेटिव होती है। अब हमारे पास उसने कहा
कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये थीटा है, ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस और सीकेंट तो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। यानी साइन भी नेगेटिव होगा, कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। हमने फाइंड आउट करनी है टेन की वैल्यू, तो टेन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी यानी माइनस की होगी। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पार्ट टेन है बेटे। इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन के। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब हमारे पास सवाल के अंदर मौजूद है बेटे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा लगा दें। इसी तरह वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटे इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। सीकेंट स्क्वायर थीटा, अब बेटे जो सीकेंट थीटा होता है ये इक्वल होता है वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा बेटे वैसे का वैसे लिख दें, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखें वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, बाकी आंसर हमारे पास आ गया वन। तो यही हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास हल हो गया, और इसी के साथ ही हमारे पास रिव्यू 7 एंड हुई मेरे बेटे, और चैप्टर नंबर 7 भी एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे। अल्लाह हाफिज़।